सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में रोड डिस्क का ये जो कवर आता है वो। सो इसको पिछले टायर में इंस्टॉल करेंगे। सो फिर देखते हैं कैसे लुक निकल के आती है। सो अब इसको करते हैं अनबॉक्स। सो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। सो अंदर ओपन तो मैंने पहले कर दिया था, बट एक बार फिर से कर देते हैं अनबॉक्स। सो इसके अंदर मिल जाता है ये कुछ यूज़र मैनुअल लगाने के लिए। इसको रखते हैं साइड में और ये अपनी मेन चीज़। सो ये चेक करो भाई, इसको रखते इधर, बाद में करते हैं अनबॉक्स और क्या मिलता है इसके अंदर। सो और ये नट वगैरह मिलते हैं। सो नट्स जो हैं इसके वो पहले से ब्लैक हैं, और जो इसके साथ इसके नट्स को टाइट करने के लिए आते हैं वो ब्लैक नहीं थे, वो सिल्वर कलर के थे। सो उनको मैंने ब्लैक कर दिया है। सो ये रहे वो। सो चलो अभी इसको करते हैं इंस्टॉल इसमें। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले इसको करना पड़ेगा ओपन। सो इसको निकालते बाहर। सो गाइस ये चेक करो भाई, क्वालिटी तो एक नंबर है इनकी। सो अभी ये होगा इस साइड और ये जाएगा उस साइड। सो चलो लगाते हैं इसको। मड गार्ड लगाया वो मैंने, क्योंकि बारिश वाला सीज़न शुरू हो गया अब, तो इसको लगाए रखेंगे। उतार देंगे इसको, पहले इसको लगाते हैं, फिर उतारने के बाद इसको उतारेंगे, फिर लुक चेक करवाऊँगा आपको। सो अभी करते हैं इसको फिट। सो इसको फिट करने के लिए ये वाली चीज़ जो है, ये कट जो बना है वो इसके पास जाएगा इस साइड से। सो कुछ इस तरह से होगा फिट ये। चल अंदर। सो ये लग चुका है अपना एक साइड का। सो ये जाएगा इधर। सो अभी दूसरे साइड से लगाते हैं इसको, दूसरे साइड से वैसे फिट होगा। सो गाइस ये लग चुका है दूसरे साइड से भी। सो अभी इसमें हमने नट फिट करने हैं। भाई क्या लुक आ रही है यार पीछे से, एक नंबर। सो अभी नट्स लगाते हैं इसके। सो नट्स लगाएंगे हम इस साइड से। सो ये चिप्स वगैरह मिल जाती हैं इसको प्रॉपर टाइट करने के लिए, ये भी करेंगे इंस्टॉल। सो पहले नट्स करते टाइट इसमें। ऐसा पेंट लग गया, अभी किया था सुबह सुबह। चलो कोई बात नहीं, चलो पहले इसको लगाते हैं नट्स को। सो पहले हमको ये लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाएगा नट इसमें। और फिर से एक ये लगाएंगे इसमें। भाई साहब हाथ काले हो गए यार। सो ऊपर से लगाएंगे नट। सब एक नट और लग चुका है, सो अभी दूसरा लगाते हैं। सो काफ़ी अच्छे लुक आने वाली है इससे, सुपर बाइक वाली लुक आएगी पूरी, देखना। सो टायर भी इंस्टॉल हो चुका है और ये भी, ये टाइट नहीं हो रही हैं, अच्छे से करने पड़ेंगे बाद में मुझे। सो अभी तीसरा नट। सो ये भी लग चुका है, बस अब नट टाइट करने हैं। सो अभी लुक गाइस, फाइनली नट जो है एकदम से टाइट कर दिया मैंने। सो अभी ये जो जिप्स हैं इसकी, इनको लगाएंगे ताकि ये हिले ना। सो अभी इनको लगाते हैं। साहब क्वालिटी तो एक नंबर है भाई इसकी। सो अभी इनको फिट करते हैं। सो एक लगेगी इधर। सो अच्छे से टाइट करके लगानी है ताकि निकले ना। सो ये एक्स्ट्रा काट देंगे। सो अभी एक और लगेगी, ये सारी लग जाएंगी जितनी दी हैं उन्होंने। सो दो तो लग चुकी हैं, बस कितनी बची, अब दो और लगेंगी। सो एक लगेगी इधर। सो
ये भी लग चुकी है। सो लास्ट वो लगेगी इधर। सो फाइनली लग चुकी हैं और ये एक्स्ट्रा बच गई, इनको काट देंगे। सो गाइस ये एक्स्ट्रा काटते हैं पहले। ये तो चेन के साथ ही कट गई भाई साहब, ऐसे उंगली आ जाए चेन में किसी की, भाई ये देखो क्या हाल कर दी इसने, निकल जाए ये देखो। सो लग चुका है फाइनली। सो अभी मड गार्ड निकालता हूँ इसका। सो उसको निकालने के लिए हमें चाहिए ये नहीं कहाँ रखा स्पैनर। सो उसको निकालने के लिए ये लगेगा। सो गाइस अब निकल के आएगी इसकी फाइनल लुक। सो देखते हैं कैसी लगती है। सो काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसको लगाने के लिए, सो फाइनली आज लगा दिया। सो अभी इस पर कुछ लिखवाएंगे, सो वो लिखवाएंगे कल। सो देखते हैं क्या लिखवाते हैं। बाकी दो नट तो निकल चुके हैं मड गार्ड के। सो अभी दो इस साइड हैं, बहुत सिंपल होता है यार इसमें निकालना, बस चार नट निकालने और हो जाता है। सो ये निकल चुका है। सो मड गार्ड इसको रखते हैं साइड में। सो अभी पहले सामान क्लोज करते हैं सारा, ये रखते हैं साइड में। सो ये टायर डलवाया था हमने सीएट जूम रेड एक्सपन। सो इसकी प्रोफाइल है 150/60R17। सो काफ़ी अच्छा टायर है। सो अभी मैंने ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर चलाया है, बट जो इसका फ्रंट टायर है वो उतना पतला है ना भाई, पूरा लीन नहीं हो रहा है अच्छे से। सो वो भी चेंज करवाना पड़ेगा मुझे। सो वो भी चेंज करवा दूंगा जल्दी से। सो अभी आपको इसके सिनेमैटिक दिखाता हूँ थोड़े से, वो एंजॉय करो। सो गाइस आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए होंगे। सो अभी देखो कुछ इस तरह की लुक आ रही है ना, सुपर बाइक वाली लुक आ रही है पूरी पीछे से यार एकदम। सो अभी इसकी टेल आईडी चेंज करूंगा मैं। सो उसके बाद लुक चेक करना भाई इसकी खतरनाक। सो टेल आईडी दिखाता हूँ, ये है इसकी टेल आईडी, ये मैंने खुद बनाई है। सो दो पीसीस हैं। सो ये कुछ इस तरह से फिट हो जाएगी इसमें। सो इसमें दो होल होंगे, एक इधर एक इधर इंडिकेटर्स के लिए। सो इंडिकेटर्स के साथ ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और नंबर प्लेट के लिए इधर होल होंगे इधर। सो नंबर प्लेट इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। सो अगर लाइट लगानी इसके ऊपर दो होल इधर कर देंगे, और दो होल होंगे इस वाले पीस पे, सो जो कि इसके पीछे लग जाएगा ऐसे। सो ये दो पीस की कीमत फ्लिपकार्ट पे 600 रुपीज़ है, 600। सो ये ओनली बन गई 10-15 रुपये में, ओनली छेद करने बस इसमें, खुद बनाई मैंने घर पे। सो अभी इसको भी इंस्टॉल करेंगे। सो इसमें ब्लैक पेंट कर देंगे, फिर कुछ पता नहीं चलेगा। सो इसके लिए अगर देखना चाहते हो कैसी लुक आएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो अभी इसमें लीवर गार्ड इंस्टॉल करने हैं, फ्रंट टायर चेंज होगा, बस ये मॉडिफिकेशन करनी है अभी इसमें मैंने फ़िलहाल के लिए। तो उसके बाद देखेंगे। सो कमेंट्स में बताओ ये वाला जो रिम कवर है ये मुझे अगले टायर में लगाना चाहिए कि नहीं। सो लुक गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सो इसी के साथ वीडियो को करते एंड, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइस।